ये आप लोग देख पा रहे हो नेशनल हाईवे 31 जो गुवाहाटी से डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। 31 रोड करना है आगे ही गणेश मंदिर करके बहुत बड़ा मंदिर है। तो ये मंदिर का ये चौक है जहां हम लोग अभी खड़े हैं और ये गेट जो है अभी नए नए बनाए हुए हैं और गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने इसको लॉन्च किए हैं। ये जगह का नाम है नलबारी। नलबारी एक हिस्टोरिक होली प्लेस है जहाँ बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन से भरे हुए हैं और ये चौक का नाम है गणेश मंदिर। गणेश मंदिर जो कि बहुत बड़ा चौक है। हेलो एंड वेलकम बैक टू बर्मन्स ब्लॉग। आज हम नलबारी डिस्ट्रिक्ट इसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो जो हम लोगों का पब्लिश होने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे नलबारी डिस्ट्रिक्ट में जो रास लीला होता है, रास मेला होता है, और रास मेले का सभी चीज़ें डिटेल हम बताने की कोशिश करेंगे। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके फैमिली मेंबर बन जाइए और जो भी वीडियो हम लोग पब्लिश करते हैं सभी वीडियो को वॉच करते जाइए। तो चलिए ये वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। नलबारी इज अ टाउन एंड म्यूनिसिपल बोर्ड इन नलबारी डिस्ट्रिक्ट इन द इंडियन स्टेट ऑफ आसाम। नलबारी टाउन इटसेल्फ इज ऑल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ नलबारी डिस्ट्रिक्ट। Etymology: the word Nalbari is derived from Nal and Bari. Nal is a variety of reed, while Bari means enclosed group within plantation. To say about the history to lions, Nalbari dates back to many centuries BC. Arthashastra of Kautilya mentioned the import of various economic products from Nalbari. The Subarna Kundiya village near Nalbari town produced the finest silk of Kautilya's time. The area also produced a special perfume among others. The chandan and agaru products were highly exported to far away places including North India. यहाँ से अंतर करते ही हमको मिलेगा हरि मंदिर जो कि एक फेमस मंदिर है। और असम का ये नलबारी डिस्ट्रिक्ट जो है वो फेमस फॉर रास लीला, रास मेला। 2 साल से ये रास मेला बंद पड़ा था। एक्चुअली यहाँ बीच में से एक फ्लाईओवर बने हुए हैं, वो कंप्लीट हुआ नहीं। और दूसरी बात है कोविड के कारण 2 साल ये मेला ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे, तो इस बार फिर से ये मेला शुरू होने जा रहे हैं 7 नवंबर 2022 से। और लाखों लोग यहाँ आते हैं, भीड़ करते हैं। आप लोग भी आइएगा। ये जो हम लोगों ने एंट्रेंस बता दिए हैं यहाँ से आसानी से आप लोग पहुँच पाएंगे। और ये रास मेला जो है मथुरा से जैसे जीवंत वाला रास लीला पहली बार नलबारी रास में दिखने को मिलेगा और धूमधाम से बहुत अच्छे से इस बार रास मेला को ऑर्गेनाइज करेगा। और इस बार एक और बात बता देता हूँ, मथुरा पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी से जो सांसद है मोनुमही अभिनेत्री हेमा मालिनी जी, उनको दिखने को मिलेगा। तो आप सब लोगों की उपस्थिति हम भी कामना करते हैं बर्मन्स ब्लॉग की तरफ से। पार्क्स वगैरह डेवलप किए हैं तो उसमें भी ये चीज़ें देखने को मिलता है कि हमारे जो एथनिक वेरियस एथनिक ग्रुप्स हैं शाम में, तो वो सभी चीज़ों को एग्जिबिट करते ही हैं, हर जगह कल्चर को एग्जिबिट करते ही हैं ताकि लोग अच्छे से समझ जाए आसाम के बारे में। तो ये ऑफिस के काम पे थोड़ा सा बिजी हो गया था इसीलिए वीडियो आप लोगों के लिए प्रस्तुत नहीं कर पाया था बीच में। तो ये छोटा सा वीडियो से आज शुरुआत किया हूँ फिर से, होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। तो ये जो आप लोग गेट देख पा रहे हो ये चीज़ों की कमी थी नलबारी डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये मेन एंट्रेंस बता सकते हो आप लोग, कहीं से भी आप लोग आओ तो यहाँ गणेश मंदिर बोलिए नलबारी डिस्ट्रिक्ट, अगर आपको आना है तो ये गेट मिलेगा और इसी से आप लोगों को अंदर जाना है। वो वीडियो देख के आप लोगों को मज़ा आया होगा। आज थोड़ा सा नॉइजी बैकग्राउंड आ रहे हैं तो इसीलिए हम माफ़ी चाहते हैं। दूसरा वीडियो में कोशिश करेंगे जितना हो सके क्लियरली वीडियोग्राफी के साथ साथ ऑडियो भी आप लोगों को अच्छे से सुना पाऊँ। तो
तो मेरे साथ ये चैनल के जरिए जुड़े रहिएगा। रास मेला का वीडियो हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। असम में 4-5 जगह बहुत बढ़िया बढ़िया रास मेला होता है, तो वो सभी मेला में हम लोग विजिट करेंगे और आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी ही दूसरा एक वीडियो में। तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे कम्फर्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।